नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास 10 आरसीएससी के इस लेक्चर में हम डॉक्टर अजय यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे वेरियस कोर्सेज जो कि हमारे सेंटर पर चल रहे हैं वो है सीबीएसई 10 यानी कि क्लास 10 का 50 स्टूडेंट पर बैच फुल कोर्स 5 टाइम्स इन ईयर विद फाउंडेशन फॉर नीट आईआईटी और आरसीएससी 10 पीसीबी 10 स्टूडेंट पर बैच फुल कोर्स 3 टाइम्स इन ईयर विद फाउंडेशन फॉर नीट आईआईटी सीबीएसई आईसीएससी 11-12 केमिस्ट्री बायोलॉजी मैक्सिमम 12 स्टूडेंट पर बैच फुल कोर्स 3 टाइम्स इन ईयर विद फाउंडेशन फॉर नीट आईआईटी नीट केमिस्ट्री मोर देन 90% क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम माय लेक्चर नोट्स गारंटी अदरवाइज फी रिफंड 10,000 में एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ 2 टाइम्स फुल रिवीजन अदर कोर्सेज जो रनिंग है एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिसिन नर्सिंग होम्योपैथिक फार्मेसी मेटेरिका मेडिकल आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। टॉपिक है अमोनिया। दोस्तों अमोनिया में नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए इस तरह से जुड़ा होता है। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये पिरामिडल होता है। इस पर एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने का कारण ये होता है लोन पेयर डोनर। और जितने भी लोन पेयर डोनर होते हैं दोस्तों सब लुईस बेस होते हैं। सभी लोन पेयर डोनर क्या होते हैं? लुईस बेस। लोन पेयर डोनर जितने भी होते हैं सब लुईस बेस होते हैं। ऑकरेंस एयर में नेचुरल वाटर के साथ, ठीक, फ्री स्टेट में नेचुरल वाटर में, कंबाइंड स्टेट में अमोनिया आकर इन कंबाइंड फॉर्म जैसे अमोनिया नौसादर में अमोनियम सल्फेट में इन सब में। लिक्विड अमोनिया लिक्विफाइड अमोनिया है सिलेंडर्स में। लिक्वर अमोनिया फोर्टिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अमोनिया का। इन वाटर इट इज कॉल्ड एज 880 अमोनिया। रिलेटिव डेंसिटी 0.88 है। इसलिए प्रिपरेशन किसी भी अमोनियम साल्ट की बेस के साथ या अल्कलिक साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया बनेगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड की हम बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा क्या? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। दोस्तों इस लेक्चर के नीचे आप पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए और इन सबको खुद से करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट 2H2O प्लस अमोनिया। अमोनियम है 2KOH के साथ, यहाँ पे बनेगा दोस्तों K2SO4 प्लस 2H2O प्लस अमोनिया गैस। लैब में दोस्तों हम लोग अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाते हैं। जैसे यहां पर हमने दोनों को मिक्स किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड को, और उसको हीट किया। हीट करने के बाद अमोनिया गैस बनी। यहाँ पे जो अमोनिया गैस बनती है उसको हम लोग ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जितने भी ड्राइंग एजेंट हैं, जैसे कंसंट्रेट H2SO4 है, P2O5 है या फिर एनहाइड्रस CaCl2 है, इनको नहीं यूज करते क्योंकि अमोनिया इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना लेती है, ICSE में पूछा भी गया है ये, ठीक है। अमोनियम P2O5 से रिएक्शन करके अमोनियम फास्फेट बना लेती है और CaCl2 के साथ अमोनिया जुड़ करके एडक्ट प्रोडक्ट बनाती है, कंबाइंड प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों अमोनिया को हम लोग इन्वर्टेड गैस जार में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इकट्ठा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अमोनिया जो है ये लाइटर है, हल्की है एयर से। इसका मोलर वेट 17 है यानी कि वीडी इसका है 8.5 वेपर डेंसिटी, जो कि जबकि एयर का वेपर डेंसिटी है 14.4। एक्सट्रीमली सोलुबल है वाटर में, इसलिए इसको हम वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते। इस डायग्राम में पूछा गया है कि द डायग्राम शोन
shows an experiment in setup for the laboratory preparation of pungent smelling gas. The gas is alkaline in nature. Name the gas collected in the jar. तो जार में कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है? तो दोस्तों सबको पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे अमोनिया कलेक्ट हो रही है, क्योंकि अमोनिया बनाएंगे मीथेन है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव प्रिपरेशन। तो आप बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिए इस प्रिपरेशन के लिए। सेकंड का आंसर अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, और क्या लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो क्या क्या बनेगा रिकॉल कीजिए, क्या क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, और क्या बनेगा? H2O बनेगा, और क्या बनेगा? दो अमोनिया बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे दो मोल लेने जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन हो गई। हाउ द गैस बीइंग कलेक्टेड? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। नेम द ड्राइंग एजेंट यूज्ड, CaO। हाउ विल यू फाइंड दैट जार इज फुल ऑफ गैस? ब्रिंग ए रॉड डिप्ड इन सीएल नियर इट, डेंस वाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी फाउंड, जो कि इसका टेस्ट हो जाएगा। अमोनिया के पास ये सीएल से भीगी हुई छड़ ले जाएंगे ग्लास रॉड, तो अमोनियम क्लोराइड का डेंस फ्यूम बनेगा। फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, एनी मेटल नाइट्राइड, कोई भी मेटल नाइट्राइड हो, उसकी वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनेगा। जैसे हम ले रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड है। तो दोस्तों मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी कि दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन से हमें कितना अमोनिया मिल सकता है? दो। तो हम यहाँ पे, और एक अमोनिया में कितना हाइड्रोजन होता है, हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं H2O को, तो एक अमोनिया में तीन होता है हाइड्रोजन, तो दो नाइट्रोजन के लिए कितना जुड़े की दो अमोनिया बने, छह हाइड्रोजन। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2NH3 प्लस 2MgOH का होल ट्वाइस इस रिएक्शन के लिए। ऐसा एल्युमिनियम नाइट्राइड है, अगर मान लीजिए तो एल्युमिनियम नाइट्राइड है, इसके लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के लिए? तीन। तो यानी कि तीन H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस अमोनिया, ठीक। और बाकी दोस्तों यहाँ गैस जब बनेगी तो उसको हम जैसे प्रीवियस मेथड में किए थे वैसे ड्राई करेंगे और यहाँ पर उसको कलेक्ट कर लेंगे। इस पे क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, आइए इस पर बात करते हैं। एक्वस अमोनिया प्रिपेयर करने का क्या मेथड है, ठीक। तो एक्वस अमोनिया को, वाटर को हम एक कंटेनर में ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, और एंड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ माउथ ऑफ द फनल इज डिप्ड इन वाटर, केवल थोड़ा सा भाग को हम जो है वाटर में यहाँ पे डिप करेंगे जहाँ आप देख रहे हैं। एज अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर, अमोनिया की जो वाटर में डिजॉल्व होने की रेट है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो द प्रेशर इन द फनल अबव वाटर लेवल डिक्रीज फॉर ए मोमेंट, जैसे ही अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगी, यहाँ से आएगी, वैसे ही जो है इसकी बहुत ज्यादा सोलबिलिटी है यहाँ पर, तो बहुत तेजी से ये घुलेगी, ठीक है। तो जब बहुत तेज घुलेगी, बहुत हायर रेट पे घुलती है, एज अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर एट ए हायर रेट देन प्रोडक्शन इन द फ्लास्क, द प्रेशर इन द फनल अबव वाटर लेवल डिक्रीज फॉर ए मोमेंट एंड वाटर रश इन टू फनल। जैसे यहाँ पर अमोनिया ये बहुत तेज घुलेगी, इतना तेज घुलेगी कि ये वाटर जो है एक बार फनल में ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ड्रीम ऑफ फनल लूज इट्स कॉन्टैक्ट विथ वाटर, ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो इसका रिम है फनल का, ये वाटर से इसका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। Since ammonia produces pushes the water down the funnel, comes in contact with water again. In this way, ammonia liquefies, ammonia dissolves in water without back suction of water. बिना किसी back suction के इस तरह से ये dissolve हो जाता है दोस्तों। ये है आपका Haber process. Haber process में क्या करते हैं कि Haber process में nitrogen और hydrogen लेते हैं, एक volume ये लेते हैं और इसको तीन volume लेते हैं, ये Bosch process से बनाते हैं और ये from liquid air से। इनको कंप्रेसर की मदद से हम लोग भेजते हैं कैटालिटिक चैम्बर में, जहाँ पे कैटालिस्ट भरा होता है यफी, और इस कैटालिस्ट के साथ प्रमोटर होता है मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे आता है जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आता है उसमें केवल 10% यहाँ पे अमोनिया में कन्वर्ट होता है,
वो सब यहाँ पे कूल करते हैं, लिक्विड अमोनिया के रूप में कलेक्ट हो जाता है। बाकी गैसें जो 90% नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो फिर से यहाँ से चलते हुए इसमें वापस आती है, यहाँ से होते हुए फिर वापस आती है, फिर से ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं हैबर प्रोसेस का। तो यहाँ पर ड्राई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्रेस पंप की मदद से इसमें भेजेंगे, फिर ये बनेगा। आप अपने बुक में देख सकते हैं इसके इस रिएक्शन के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए। पहली बात तो ये रिएक्शन ये हुए N2+3H2G, माफ कीजिए मैं जी नहीं लिख रहा हूँ गैस स्टेज के लिए, अच्छा भी लिख दिया 2NH3G। दोस्तों ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, दो रिएक्शन विच अकर इन बोथ डायरेक्शन बट नेवर कंप्लीट, तो ये दोनों डायरेक्शन होती है। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन दोस्तों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए आप जानते हैं, लो टेम्परेचर चाहिए। कैसा, लो टेम्परेचर। और यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अगर रेशियो देखिए तो रिएक्टेंट हाई है, प्रोडक्ट लो है, तो यहाँ पे कैसा माहौल चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। तो हाई प्रेशर की कंडीशन यहाँ पे अच्छा रहता है। इसके अलावा कैटलिस्ट क्या चाहिए, यफी। और कैटलिस्ट का प्रमोटर कौन चाहिए, प्रमोटर मॉलिब्डेनम यहाँ पे होता है। और कंसंट्रेशन तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंसंट्रेशन हाई चाहिए, क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डर स्ट्रॉन्ग पंजेंट चोकिंग स्मेल, टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन नॉन पॉइजनस है, अगर ज्यादा इसको सूंघा जाए तो आंखों में आंसू आते हैं, पावरफुल हार्ट स्टिमुलेटर है, हाई सोल्युबल होता है दोस्तों ये वाटर में। इसको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते हैं। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते हैं कि इसमें पूरे जार में अमोनिया गैस भरी हुई है और एक यहाँ पे हम लोग ड्रॉपर लगाते हैं, और उस ड्रॉपर में थोड़ा सा वाटर रखते हैं। जैसे ही हम यहाँ ड्रॉपर को दबाएंगे तो थोड़ा वाटर जैसे इसमें आएगा यहाँ पर, वैसे ही क्या होती है, अमोनिया की सोलुबिलिटी जो है ज्यादा होने के कारण अमोनिया कुछ इसमें सोलुबल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटने पर ये जो ट्यूब है जेट ट्यूब, इससे नीचे की तरफ से लिटमस का सोल्यूशन ऊपर की ओर आएगा। जब ऊपर को आएगा तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ये इस तरह से ब्लू कलर के फाउंटेन दिखेंगे, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है किसी चीज की हाई सोल्युबिलिटी के लिए। ऐसा आपने देखा है HCl में भी। A bottle of liquid ammonia should be opened very carefully. Why? A question ये है, liquid ammonia की बोतल को बहुत carefully खोलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि after cooling it in ice or cold water, जब कूल करते हैं तो हाई प्रेशर होता है अमोनिया बोतल के अंदर, ठीक है, नहीं अमोनिया बोतल के अंदर हाई प्रेशर होता है, और जब कूल करते हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाता है, इसके कारण दिस प्रिवेंट सडन फ्लशिंग आउट ऑफ द गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, पहली बात तो थर्मल डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन इस तरह से होता है अमोनिया का, ठीक है, ये बेसिक नेचर का है। इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर डोनर है, इसलिए कैसा है, ये लुइस बेस है। इसके अलावा वाटर में डिजॉल्व होकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बीक बेस बनाता है, जो फिर डिसोसिएट होकर के अमोनिया और OH- देता है। तो दोस्तों ये मोस्ट लिटमस को किस रेड से, किस कलर से, किस कलर में चेंज करता है, तो रेड से ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक। मेथिल अरेंज को कैसे करता है, येलो कलर, ठीक, और इसको कैसे करेगा, पिंक कलर में, ठीक है, रेड टू ब्लू, इसको ऑरेंज से येलो, और इसको कलरलेस से पिंक में। रिएक्शन विथ एसिड, अमोनिया दोस्तों बेस है, और जब भी बेस एसिड से रिएक्शन करता है क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा बताइए, अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर, इसमें क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, इसमें अमोनियम सल्फेट बनेगा। ऐसे दोस्तों एक्वस अमोनिया एसिड चार्ज रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, अमोनियम साल्ट और वाटर। तो यहां पे क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, यहां पे क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इसी तरह से यहां क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। मेटालिक
मेटैलिक साल्ट सॉल्यूशन साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके अमोनियम साल्ट बनाता है और मेटैलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे यहां पे क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट, और क्या बनेगा दोस्तों, फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड क्या खास बात है, कैसा कलर होता है इसका, डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन कलर होता है। और कैसा होता है, सोलुबल या इनसोलुबल, इनसोलुबल। दूसरा क्या बनेगा यहां पर, यहां पे बनेगा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड अगेन 3 मोल, क्योंकि यहां 3 अमोनिया है, 3 क्लोराइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड। जो दोस्तों फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा इसका कलर कैसा होता है आप जानते हैं, रेडिश ब्राउन, इनसोलुबल। लेड के साथ है दोस्तों तो यहां पे बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड व्हाइट होता है और कैसा होता है, इनसोलुबल। जिंक नाइट्रेट साथ दोस्तों यहां पे क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट हमें 17, और जिंक हाइड्रोक्साइड। ये सब दोस्तों प्रेसिपिटेट है, सब प्रेसिपिटेट है, जितना बन रहे हैं यहाँ पे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सब प्रेसिपिटेट है। और जिंक हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट जिलेटिनस, ले जैसे व्हाइट जिलेटिनस होता है। कापर, कापर सल्फेट और के साथ है तो अमोनियम सल्फेट और कापर हाइड्रोक्साइड, पेल ब्लू बनता है सोलूबल। ये जिंक और कापर वाले सोलूबल हैं, बाकी सब इनसोलूबल। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अमोनिया न तो जलती है न जलने में सहायता करती है, जलती हुई कैंडल को बुझा देती है अलग से। ये वाला रिएक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आईसीएसई में। आगे है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राई O2 आता है इस तरफ से, और यहां से आता है ड्राई अमोनिया, और ये यहाँ पर एक यहाँ पे हीट हो रहा है प्लेटिनम कैटलिस्ट प्रेजेंस में, जैसे आता है यहाँ की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है येलो में और H2O में। CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यूरिया बनाता है। अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट का काम जब करता है, इसकी दो रिएक्शन ICSE में पूछी गई हैं। ICSE में एक बार सवाल पूछा था कि कोई दो रिएक्शन में आप दिखाइए अमोनिया को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। जब क्लोरीन एक्सेस में होता है दोस्तों तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें, सॉरी, जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अमोनिया एक्सेस वाला प्रोडक्ट बनता है, और जब क्लोरीन एक्सेस में होता है, जब क्लोरीन मिक्सचर में होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें NCl3 प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। तो इस तरह से ये दो रिएक्शन आप दिखा सकते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, अमोनिया मेटेलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रोजन कलेक्ट होता है वाटर के ऊपर, ओके, और ये रिएक्शन इस तरह से है, कापर ऑक्साइड से हीट किया तो यहाँ पर इकट्ठा हुआ नाइट्रोजन। अमोनिया का यूज क्या है दोस्तों, मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में, यूरिया वगैरह, एक्सप्लोसिव जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, नायलॉन रेयन बनाने में, लिक्विड अमोनिया बनाने में। लिक्विड अमोनिया का क्या यूज है दोस्तों, इसका यूज है रेफ्रिजरेंट के रूप में, ठीक है, और ये इसका रेफ्रिजरेंट में क्यों यूज है, बिकॉज अमोनिया टेक्स ए लॉट ऑफ एनर्जी टू वेपराइज, तो लगभग 5700 कैलोरी पर मोल एट, ठीक है, दिस इज टेकन फ्रॉम सराउंडिंग, ये हीट कहां से ली जाती है, सराउंडिंग से, सराउंडिंग बॉडीज से, इसलिए वो कूल डाउन हो जाती है, इसलिए वो ठंडा हो जाती है, ओके। ये सब अमोनिया के बारे में था, बहुत बहुत धन्यवाद।